हम इस ऑसम ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि जीसू छुपकर किसी को देख रही होती है, तभी पीछे से ह्युंजुन आकर पूछता है कि तुम क्या देख रही हो। उसके अचानक आने से जीसू डर जाती है। वो पूछता है कि क्या तुम कहीं जा रही थी। जीसू कहती है कि मैं खाने के लिए जा रही थी। वो कहता है कि भूख तो मुझे भी लगी है, चलो साथ में चलते हैं। उसे देखकर जीसू सोचती है कि ना तो मैं इसे लाइक करती हूँ और ना ही डिसलाइक। तभी ह्युंजुन को सुहा दिखती है, तो वो उसके पास चला जाता है। उसे आता देखकर सुहा पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि मैं जीसू के साथ कैंटीन जा रहा था। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो जीसू वहाँ नहीं होती। जीसू दूसरी तरफ छुपकर सोच रही होती है कि इसके साथ मेरे बहुत सारे अनकंफर्टेबल मोमेंट्स हैं, जो ना चाहते हुए भी मुझे याद आ जाते हैं। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि क्यों जीसू ह्युंजुन को अवॉइड करना चाहती है। ये सीन तब का होता है जब वो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। ह्युंजुन सुहा की कॉपी वापस करने आता है, लेकिन सुहा वहाँ नहीं होती। तो वो जीसू को कॉपी देता है और कहता है कि ये कॉपी सुहा को देकर कह देना कि ये मैंने दी है। बाद में सुहा के आने पर जीसू उसे कॉपी देकर बता देती है कि ह्युंजुन ने ये दी है। नेक्स्ट डे ह्युंजुन फिर से कॉपी लेने आता है, लेकिन जब सुहा उसे कॉपी देने से मना करती है तो वो जीसू से कॉपी मांगता है। जीसू उसकी बात पर ध्यान नहीं देती तो वो उसे छोटी बच्ची कहकर बुलाता है। जब जीसू उसकी तरफ देखती है तो वो कहता है, अच्छा तो तुम्हें छोटी बच्ची सुनना पसंद है, तो छोटी बच्ची क्या तुम मुझे अपनी कॉपी दे सकती हो। जीसू चौंकते हुए कहती है कि क्या तुम मुझे छोटी बच्ची कह रहे हो। वो हाँ कहते हुए फिर से कॉपी मांगता है। जीसू उसे कॉपी दे देती है। सुहा उसे कॉपी देने से मना करती है, लेकिन ह्युंजुन कॉपी लेकर भाग जाता है। सुहा कहती है कि तुमने उसे कॉपी क्यों दी। जीसू कहती है कि उसने मांगी तो मैंने दे दी। सुहा कहती है कि अब वो रोज तुमसे कॉपी मांगेगा। और उस दिन के बाद से ह्युंजुन जीसू को छोटी बच्ची कहकर बुलाने लगा। नेक्स्ट डे वो आकर जीसू की कॉपी वापस करता है और फिर वो उसे अपनी घड़ी पकड़ाता है। जीसू पूछती है कि तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो। वो कहता है कि अब मेरा गेम्स पीरियड है। जीसू कहती है तो मैं क्या करूं। वो कहता है कि मेरे पास इसे रखने की जगह नहीं है। जीसू से मना करती है, लेकिन वो कहता है कि इसे संभाल कर रखना, और ऐसा कहकर वो चला जाता है। इसके बाद दो ही सुहा से पूछती है कि क्या ह्युंजुन तुम्हारा जस्ट फ्रेंड है। सुहा कहती है कि मेरे लिए तो वो मेरे भाई जैसा है। दोही पूछती है कि जीसू और ह्युंजुन इतने क्लोज कैसे हुए। सुहा कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता। और दूसरी तरफ जीसू सोचती है कि सुहा और ह्युंजुन काफी क्लोज फ्रेंड लगते हैं, मुझे इनके बीच में नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट डे जीसू अपनी डेस्क पर हेड डाउन करके बैठी होती है। कोई उसकी डेस्क पर नॉक करता है। उसे लगता है कि वो दोही है, तो वो उसे ऐसा करने से मना करती है। जब फिर से डेस्क पर नॉक होती है तो वो गुस्से से कुछ कहने वाली होती है, लेकिन उसके सामने ह्युंजुन होता है। वो कहता है कि मैं दोही नहीं हूँ। उसे अपने सामने देखकर जीसू अपना हुलिया ठीक करती है। उसका फेस देखकर वो पूछता है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, और फिर वो उसके सिर को छूकर देखता है। और ये सब जीसू की क्लास के बच्चे देख लेते हैं। वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि शायद ये दोनों डेट कर रहे हैं। उनकी बातें सुनकर जीसू ह्युंजुन को बाहर चलने के लिए कहती है। उन्हें जाता देखकर बच्चे कहते हैं कि अब तो पक्का है कि ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं। बाहर जाने के बाद ह्युंजुन जीसू से पूछता है कि क्या तुम सच में बीमार हो। जीसू कहती है कि मैं ठीक हूँ। तभी ह्युंजुन उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम्हारे हाथ कितने छोटे हैं। अच्छा तो छोटे लोगों के हाथ भी छोटे होते हैं, ये तो किसी क्यूट से छोटे बच्चे की तरह है। जीसू कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन तभी ह्युंजुन अपने गेम्स पीरियड का बहाना बनाकर उसे फिर से अपनी घड़ी देकर चला जाता है। और इसके बाद ह्युंजुन बार बार जीसू से कॉपी मांगने आता रहता है। एक दिन जीसू को अपना पेंसिल बॉक्स नहीं मिलता। वो सुहा से पूछती है कि क्या तुमने मेरा पेंसिल बॉक्स देखा। सुहा कहती है कि अभी थोड़ी देर पहले ह्युंजुन आया था, शायद वो ही ले गया होगा। बाद में सुहा जीसू से पूछती है कि क्या तुम्हें तुम्हारा पेंसिल बॉक्स मिल गया था। जीसू कहती है कि मुझे मिल गया था। सुहा देखती है कि जीसू के पेंसिल बॉक्स में चॉकलेट रखी होती है। जब वो चॉकलेट के बारे में पूछती है तो जीसू कहती है कि मेरा चॉकलेट खाने का मन था। सुहा कहती है कि वैसे तो कभी तुम चॉकलेट नहीं खाती हो,
तब दो ही उसे बताती है कि हुंजुन ने जीसू को ये चॉकलेट दी है। जीसू कहती है कि वो बार बार मुझसे कॉपी ले जाता रहता है, शायद उसे मेरे लिए बुरा लगा होगा। सुहा कहती है कि वो तो बड़ा बेशरम निकला, उसने सिर्फ तुम्हें ही चॉकलेट दी, कॉपी तो वो मुझसे भी रोज ले जाता था। जीसू कहती है कि उसने मुझे थैंक यू भी कहा। सुहा कहती है अच्छा तो उसने तुम्हें थैंक यू भी कहा। जीसू को उसकी बातों का मतलब समझ नहीं आता। बाद में सुहा हुंजुन से पूछती है कि क्या तुमने जीसू को कुछ दिया था। वो कहता है कि क्या तुम ये पूछने आई हो। सुहा कहती है कि जीसू तुम्हारी तरह नहीं है, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो वो तुम्हारी बातों का कुछ और मतलब समझ लेगी। वो पूछता है कि तुम किस बारे में कह रही हो। सुहा कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं किस बारे में कह रही हूँ, और ऐसा कहकर वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में तीनों गर्ल्स बैठी होती है। हुंजुन वहाँ आता है। वो जीसू से कहता है छोटी बच्ची मुझे तुमसे कुछ कहना है। जीसू कहती है कहो तुम्हें क्या कहना है। वो कहता है कि चलो स्कूल के बाद हम डेट पर चलते हैं। ये सुनकर जीसू चौंक जाती है। हुंजुन कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे मेरी बहन के लिए गिफ्ट लेना है तो इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जीसू कहती है कि आज तो मेरे पास टाइम नहीं है। वो कहता है कि हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तभी सुहा उससे कहती है कि तुम जीसू के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। वो पूछता है कि मैंने क्या किया। सुहा उससे कहती है कि क्या तुम जीसू को पसंद करते हो। वो कहता है कि मैं तो इसे बस अपने साथ चलने के लिए कह रहा था। जीसू कहती है कि आज मैं बिजी हूँ। वो कहता है कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। सुहा कहती है कि तुम बात मत बदलो, क्या तुम इसे सच में पसंद करते हो। तो तब वो कहता है कि हाँ मैं जीसू को पसंद करता हूँ, लेकिन क्या तुम इसे पसंद नहीं करती हो। सुहा कहती है हाँ मैं भी इसे पसंद करती हूँ। वो कहता है तो फिर मैं इसे पसंद क्यों नहीं कर सकता हूँ। सुहा हंसते हुए कहती है कि तुम अचानक से इतने सीरियस क्यों हो गए। उन सबके सामने हुंजुन एम्बैरेस फील करता है। नेक्स्ट डे सुहा कहती है कि कल हुंजुन अजीब बिहेव कर रहा था। दोही कहती है कि वैसे तो वो हमेशा हंसता रहता है, अचानक से उसे सीरियस देखना अजीब लगा। जीसू कहती है कि कल हमने सबके सामने उससे ऐसा सवाल पूछ लिया तो शायद उसे एम्बैरेसिंग लगा होगा। दोही कहती है कि अगर वो सच में तुम्हें लाइक करने लगा हो तो। जीसू हंसते हुए कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। सुहा कहती है लेकिन तुम्हारे आगे ही वो अलग सा बिहेव करता है। तभी पीछे से हुंजुन आ रहा होता है। सुहा कहती है कि चलो हम जीसू के लिए उसकी फीलिंग चेक करते हैं कि वो जीसू को लाइक करता है या नहीं। फिर दोनों गर्ल्स जीसू से हुंजुन को मैसेज करने के लिए कहती हैं। जीसू कहती है कि ऐसा करना ठीक नहीं है। दोही कहती है कि क्या तुम उसे ऐसे ही परेशान देखना चाहती हो, चलो उसे मैसेज करो। सुहा भी उसे मैसेज करने के लिए कहती है। फिर जीसू मैसेज करके हुंजुन से मूवी चलने के लिए पूछती है, लेकिन हुंजुन तो वहीं पीछे खड़ा होता है और उनकी सारी बातें सुनकर वो थोड़ा गुस्सा होकर चला जाता है। जीसू मैसेज के रिप्लाई का वेट करने लगती है। जब काफी देर तक रिप्लाई नहीं आता है तो वो कहती है कि उसने मैसेज पढ़ने के बाद भी रिप्लाई नहीं किया, वैसे तो वो टाइम पर रिप्लाई कर देता है। दोही कहती है कि हो सकता है कि वो ज्यादा एक्साइटमेंट में रिप्लाई नहीं कर पा रहा हो। तभी हुंजुन रिप्लाई देता है कि मैंने वो मूवी देख ली है। सुहा कहती है कि अगर वो तुम्हें लाइक करता तो वो कहता है कि मैंने ये मूवी नहीं देखी है। जीसू कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि वो मुझे पसंद नहीं करता है। फिर दोनों जीसू से हुंजुन को लंच पर बुलाने के लिए कहती है। जीसू मैसेज करके उसे लंच के लिए पूछती है तो वो कहता है कि मेरा पेट भरा हुआ है। ये पढ़कर दोही कहती है कि ये तो जीसू को फ्रेंड जोन कर रहा है, जीसू को बुरा लगने लगता है। सुहा कहती है कि शायद हमारी टाइमिंग गलत है, चलो हम दूसरी तरह से ट्राई करते हैं। फिर नेक्स्ट डे वो दोनों जीसू को जबरदस्ती हुंजुन की क्लास में भेजते हैं। हुंजुन उससे पूछता है कि तुम्हें मुझसे काम है क्या। जीसू कहती है कि क्या तुम्हें मुझ में कुछ अलग दिख रहा है। वो उसे ध्यान से देखता है। वो कहता है कि हाँ मुझे दिख तो रहा है। जीसू और बाहर खड़ी उसकी दोनों फ्रेंड्स खुश हो रही होती हैं। तभी हुंजुन कहता है कि तुम्हारे दांतों में कुछ फंसा हुआ है। ये सुनकर जीसू अपना फेस छुपाकर भाग जाती है। और फिर इसके बाद तुही और सुहा ने हुंजुन के दिल की बात जानने की कोशिश नहीं की। कुछ दिन बाद जीसू हुंजुन को मैसेज करके पूछती है कि तुम्हारे टेस्ट की तैयारी कैसी चल रही है। वो रिप्लाई करता है कि क्या फिर से टेस्ट है या तुम्हारी फ्रेंड्स ने तुमसे ये कहने के लिए कहा है। जीसू चौंक के ये पढ़ ही रही होती है कि तभी हुंजुन वहाँ आ जाता है और कहता है कि तुम इतनी हैरान क्यों हो।
जिसु कहती है कि अच्छा तो तुम्हें ये सब पता था। वो कहता है कि जब तुमने मुझे मूवी चलने के लिए पूछा था तो तुम मेरी फीलिंग जानना चाहती थी ना, तुम सच में बेवकूफ हो। जिसु कुछ नहीं कहती। फिर वो कहता है मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनकर जिसु और भी ज्यादा चौंक जाती है। वो कहता है कि जब फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा था तभी से मैं तुम्हें लाइक करने लगा था। जिसु सोचती है तो मैंने सही सोचा था। और ठीक इसी टाइम हुनजुन अचानक से उसे किस करता है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।